हेलो व्हाट्सअप गाइस। सो गाइस मैं फिर से लेके आ चुका हूँ एक और नया एप्लीकेशन जिसके अंदर आप लोग हजारों से भी ज्यादा लाइव चैनल को बिल्कुल फ्री में वॉच कर सकते हो। सो गाइस मैंने रिसेंट में अभी एक वीडियो बनाया था जियो टीवी को लेकर कि आप लोग कैसे अपने कोडी एप्लीकेशन के थ्रू कैसे जियो टीवी को यूज कर सकते हो। बट गाइस आज की वीडियो उससे थोड़ी बहुत डिफरेंट होने वाली है या फिर काफी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे लाइव चैनल को वॉच कर सकते हो बट बिना किसी जियो टीवी के और बिना किसी कोडी एप्लीकेशन के। सो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की और बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाली है, तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना और गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे ऐसी और अमेजिंग वीडियोस आती रहेगी। सो गाइस चलिए बिना देर कर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें कि आप लोग कैसे इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो और कैसे आप लोगों को इसको डाउनलोड करना है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को अपने टीवी में सेंड फाइल टू टीवी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जिसको डाउनलोड करना नहीं आता है, मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, आप लोग इजीली प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस इसको डाउनलोड करने के बाद अब आप लोगों को अपने प्ले स्टोर पर जाना है और आप लोगों को वहाँ पे सर्च करना है NS प्लेयर। सो गाइस NS प्लेयर का मतलब होता है नेटवर्क स्ट्रीम प्लेयर, तो आप लोग इसके नाम की स्पेलिंग को अच्छे से देख लेना, आपको यहाँ पे नेटवर्क स्ट्रीम प्लेयर को ही ओपन करना है। सो गाइस ओपन होने के बाद अब आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेना है। सो गाइस हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, अब आप लोगों को इसको ओपन कर लेना है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद अब आप लोगों को सबसे पहले इसकी सेटिंग पे जाना है, तो मैं इसकी सेटिंग पे चलता हूँ। सेटिंग पे आने के बाद अब आप लोग यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे थीम, तो आप लोगों को थीम को यहाँ पे डार्क कर लेना है। वैसे गाइस ये आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आप चाहते हो तो वाइट भी रख सकते हैं, बट मैं अपने प्रेफरेंस के थ्रू इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। तो इसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पे साइड में प्लेलिस्ट पर आना है। प्लेलिस्ट पे आने के बाद अब आप लोगों को सबसे ऊपर टॉप कॉर्नर में 3 डॉट दिखेगा, तो आप लोगों को वहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग फाइल को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद अब आप लोग यहाँ पे फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना, तो आपको यहाँ पे एक फाइल को ऐड करना है। ये जो फाइल है ये फाइल मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, ये फाइल आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा या हमारे अबाउट सेक्शन में होगा, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, आपको वहाँ पे फाइल मिल जाएगी। तो आप लोगों को इस फाइल को अपना ओपन कर लेना है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो चुका है और गाइस हमारा सभी टीवी चैनल यहाँ पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। गाइस दिस इज टू इजी। सो गाइस आप लोगों ने देख लिया कितना छोटा सा और कितना इजी सा स्टेप है, आप लोग कैसे अपने लाइव चैनल को अपने टीवी में देख सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो भाई बहुत छोटा सा और आसान सा स्टेप है, बट गाइस इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। सो आप लोग देख सकते हैं कितना इजीली सारे चैनल यहाँ पे प्ले हो रहे हैं और आप लोग यहीं पे इसके अंदर इसकी क्वालिटी को चेंज कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे लो क्वालिटी टू HD क्वालिटी भी देख सकते हो। सो यार चलिए गाइस इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए गाइस आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट।